नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुर के थाना सिंभावली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर करीब 200 पशुओं की हत्या कर मांस व खाल की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 गाड़ी, 4 किलो जहरीला पाउडर, पशुओं की 9 खाल, पशुओं का 3 कुंतल मांस व पशु काटने के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी गढ़ मुक्तेश्वर के कुशल निर्देशन में थाना सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ता नहर पुल के पास से पशुओं को जहरीले पदार्थ खिलाकर हत्या कर पशुओं के मांस व खाल की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में घर के बाहर बंधे हुए पशुओं को आटे में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला देते थे, जिससे पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तथा किसान सोचता है कि हमारे पशु की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई है। वहीं मृतक पशुओं की खाल मांस को निकालकर बेच देते थे तथा शेष अवशेषों को अपने साथी शेख पुत्र फुलचंद निवासी अशोक नगर थाना देहात के मछलियों के भोजन के लिए प्रयोग करते थे। अब तक इन शातिर अपराधियों ने करीब 200 पशुओं जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है, इनकी हत्या कर दी है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 गाड़ी, 4 किलो जहरीला पाउडर, पशुओं के 9 खाल, पशुओं का 3 कुंतल मांस व पशु काटने के उपकरण बरामद किए हैं। हापुड़ के देहात क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि पशुओं की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो रही है। इन सूचनाओं का संज्ञान लिया गया। इस पर कार्य करते हुए थाना सिंभावली पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग के 14 सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका था, अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं। इनके पास से 4 किलो जहरीला पदार्थ, 2 गाड़ियां तथा पशुओं को काटने के औजार और पशुओं के अवशेष मिले हैं। इस गैंग की कई टीमें हुआ करती थी जो पशुओं की रेकी करती थी, उनको जहर दे के उनकी हत्या करती थी। उसके बाद उन पशुओं के अवशेष मृत बॉडी को लेके उनका कटान करती थी तथा उनके पार्ट्स की बिक्री करती थी। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत महिला अनुभाग जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद के डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की जान गई है। परिजनों में आक्रोश छाया है। शिकोहाबाद में महिला अनुभाग संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की इस दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई है। परिजन डॉक्टरों पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। पैसे ना देने से उपचार में जो ढिलाई की है उसी के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई है, ऐसा परिजन का कहना है। बच्चा है उसको रुपया लापरवाही की बच्चों में निकाला गया है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद में महिला दिवस के शुभ अवसर पर कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया। शिकोहाबाद नगर पालिका में नगर पालिका चेयरमैन मुमताज बेगम ने कार्यालय में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी महिलाओं को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया तथा नारी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए सफाई कर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से देखभाल करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उन्हें दहेज के रूप में दानों से मुक्ति के लिए एक महिला को दूसरी महिला के अधिकार समझने चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका चेयरमैन मुमताज बेगम के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में नारी महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक नारी को अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसके उपलक्ष्य में नगर पालिका में जो जितने भी हमारी कोरोना योद्धा जी थी, जो कोरोना के टाइम में सबने बहुत मेहनत से अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, उन सभी महिलाओं को बुलाकर हमने सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। क्योंकि महिला जो है समाज में किसी भी लेवल में पीछे नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है, वो चाहे वो गृहिणी के रूप में हो, समाज के कामकाज के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या वो किसी भी पद पर हो, वो अपने हर पद को बखूबी निभा रही है
और मैं महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझे, हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, पूरी मजबूती के साथ, अच्छे विचारों के साथ, समाज में एक नई सोच के साथ पूरे समाज में एक बदलाव की मुहिम चलाएं, जिससे हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश उन्नति करे और हम सब लोग उसका लाभ उठा सकें। आप सबको, पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शहर की महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।